पर और मैं आपके साथ गौरी महिंद्राज एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ नए सेशन के साथ। बिल्कुल आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, 12:30 का टाइमिंग हो चुका है और हम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। आज हमने जैसा कि आपको बताया था मॉर्निंग के सेशन में कि हम लोग क्या सीखेंगे, आज आज हम लोग सीखेंगे पूरा वोकैब का पार्ट 2। राइट, SSC के वोकैब का पार्ट 2 आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि कितने एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिट देती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, सो सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बात बता दी जाए कि इससे पहले पार्ट 1 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, वो कैब का पार्ट 1 माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट एक बार हम कर चुके हैं इससे पहले वाले सेशन में। इट्स टाइम फॉर वो कैब पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट के लिए आया हुआ है। और आप लोगों को क्या करना है जल्दी से बताइए। आप लोगों को करना है लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर कीजिए फटाफट से इस वीडियो को और जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। गुड आफ्टरनून टू एवरी वन, गुड आफ्टरनून। सो बिल्कुल हम आ गए, कहाँ है गौरी मैम, हम आ गए। अविनाश बलवीन जी, आज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था तो उस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी हम टाइम से हैं तो जो भी टाइम हमने 5 मिनट इधर थोड़ा सा कम हुआ है वो हम अभी एंड में क्लास में उसको गेन कर लेंगे, यू डोंट वरी। ठीक है, ओके योगेश जी, ओके श्रेया, हेलो संदीप कुमार, गुड आफ्टरनून। और हृदयश मैम, येस हम आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। और गुड आफ्टरनून टू एवरी वन, श्रेया, अविनाश गुड आफ्टरनून, गौरव कुमार गुड आफ्टरनून, एंड दिस येस गाइज लाइक द सेशन एंड शेयर द वीडियो। सो बिल्कुल येस हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने, लाइक कर दिया है गौरव, ओके थैंक यू सो मच। और फैजल कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, सो बिल्कुल गुड आफ्टरनून टू एवरी वन। और बिल्कुल बिल्कुल हम आपके सामने आ चुके हैं और सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सुमिति पात्रा कह रही है मैम हमने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच सुमिति। सो बिल्कुल बिना किसी देरी के सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए माई डियर स्टूडेंट इस सेशन को। और स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो जल्दी से मुझे बताइए इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, सॉरी सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताइए। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून पिंटू, विनोद कुमार गुड आफ्टरनून विशाल, उमा, सूरज, योगेश, अविनाश, अवनीश, चंद्रप्रकाश सिंह एंड यस फैजल, वो कैब का सेक्शन है तो नो डाउट बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से बताइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको क्या करना है, आंसर देना है इसका। तो जल्दी से मुझे बताइए यहां पर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर यहां पर क्या होने वाला है, क्या होगा इसका, क्या मतलब होता है, जल्दी से हमें बताओ। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल हैव अ 30 सेकेंड, सो फटाफट से आंसर देने स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर मीनिंग क्या होगा जल्दी से बताइए। प्लमेट का मीनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होगा प्लमेट का, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए मैम, ए ए ए ड्रॉप होगा, ड्रॉप, ओके दैट्स वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं। सनी गुप्ता, सरिता, सरिता कह रही है मैम इनजेंडर होगा, नहीं सरिता इनजेंडर नहीं होगा, ओके सनी गुप्ता कह रहे हैं मैम फर्स्ट ऑप्शन होगा, कांशा तिवारी फर्स्ट होगा, अविनीश ड्रॉप, अविनाश ड्रॉप, ओके ड्रॉप 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 दैट मीन सेकेंड, ओके ओके निहारिका बी, अक्लीमा खातून ड्रॉप होगा मैम, अविनाश आकांक्षा कह रही है फर्स्ट होगा, नहीं फर्स्ट नहीं होगा, परसिपिटेट नहीं होगा। देखिए आइए देखिए यहां पर देखिए प्लमेट का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या वर्ड रखता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का तेजी से गिरना,
कम होना किसी भी चीज़ का, टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल, किसी भी चीज़ का हम यहाँ पर लिख देते हैं टू फॉल सडनली, किसी भी चीज़ का अचानक से कम हो जाना, टू फॉल सडनली इसका मतलब होता है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक वर्ड क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास वर्ड दिया हुआ है परसिपिटेट, ठीक है। परसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जल्दी ला देना, किसी चीज़ को जल्दी ला देना, हैपन सडनली, हैपन सडनली। तो अब ये तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप कि कोई भी चीज़ फॉल हो जाती है, गिर जाती है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, तो फर्स्ट वाला वर्ड तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है कोई चीज़ फॉल हो जाना, कम हो जाना। तो आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर बताना है, तो प्लमेट का सिमिलर होगा ड्रॉप, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है जोर पकड़ना, कंटिन्यू विद ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी, ठीक है। कंटिन्यू हम आपको मीनिंग भी लिख दे रहे हैं यहां पर, कंटिन्यू विद ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है इनजेंडर, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि फिफ्थ होगा, ठीक है। तो इनजेंडर का एनजेंडर का मतलब होता है कॉज और गिव रेज टू अ फीलिंग सिचुएशन और कंडीशन। एनजेंडर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कॉज और गिव राइज टू अ फीलिंग सिचुएशन, किसी भी ऐसी सिचुएशन को, ठीक है। तो आपको समझ में आया एनरेज का मतलब क्या होता है और रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर से फोर्सली इंटेंसिटी के साथ पकड़ना या जोर से कोई चीज़ करना, ठीक है। तो ड्रॉप होगा गौरी मैम, ओके अविनाश दैट्स वेरी गुड आंसर, ड्रॉप इज द करेक्ट आंसर, सिनोनिम होगा आपका ड्रॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल राइट, यू आर राइट, यू आर राइट मुकेश शर्मा, यू आर राइट अविनाश, यू आर राइट एंड फैजल, येस मैम क्लियर है, एंड सुमिति पात्रा बिल्कुल सही, उमाकांत बिल्कुल सही, दैट्स वेरी गुड थिंग, सभी का आंसर सही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा, बेट का मतलब क्या होता है, जल्दी से हमें बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। थर्टी सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास और आपको उस 30 सेकेंड में मुझे बताना है यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, शॉर्टेज है टाइम की, और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। बैट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, जल्दी से बताइए, ओके आंसर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, ब्लीक होगा, सरिता आनंद कह रही है फॉल आउट होगा, और ओके बेट मतलब स्टार्ट करना, सूरज जी कह रहे हैं मैम स्टार्ट करना होगा, अकी आपको रटना नहीं है वर्ड्स को, वो कैप को रटा नहीं जाता है माय डियर स्टूडेंट, आप रट क्यों रहे हो, रटा नहीं जाता है वो कैप को कभी भी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो कैप को आप रटोगे ना तो आपके लिए ही इशू होगा, कभी भी इन चीज़ों को रटा नहीं जाता है, आप इनको हर ऑल्टरनेट डेज पर इनको लर्न करिए, हर ऑल्टरनेट डेज पर इनको केवल आप पढ़िए, ठीक है। देखिए एक बेट का मतलब होता है शर्त लगाना और एक का मतलब होता है भविष्यवाणी, वंस ओपिनियन अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि शर्त से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है, और ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक, नॉट होपफुल और इनकरेजिंग, ब्लीक का मतलब क्या होता है, नॉट होपफुल, जिसकी उम्मीद ना हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। तो ये वर्ड नहीं होगा जिसका भी आंसर आपका ब्लीक आ रहा है, वो बिल्कुल राइट नहीं है। रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई, क्या होता है सच्चाई, और बेट का भी मतलब होता है वंस ओपिनियन अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। आप फ्यूचर इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हो और यहां पर आप ब्लीक को कहोगे, जल्दी से मुझे बताओ, ओके इसके आंसर्स बहुत मिले जुले से आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही मिला जुला आंसर दे रहे हैं, जैसे अविनाश कह रहे हैं मैम डी होगा फॉल आउट, ओके सुमिति पात्रा कह रही है फॉल आउट होगा, अकी कह रहे हैं मैम ब्लीक होगा, फैजल कह रहे हैं फॉल आउट होगा, फॉल आउट का मतलब होता है बुरा परिणाम, तो फॉल आउट क्यों हो जाएगा, क्यों इसका मतलब क्या, बेट का मतलब अच्छा परिणाम है,
एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है. तो फॉलआउट का मतलब होता है किसी भी चीज का बुरा परिणाम होना, किसी भी चीज के बारे में कोई भी गलत रिजल्ट निकल के आना. मुकेश भी कह रहे हैं फॉलआउट होगा, फॉलआउट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा फॉलआउट. जैसा कि राजन कह रहे हैं मैम, फर्स्ट होगा, फॉलआउट होगा. मलेस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताइए. जल्दी से बताइए, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट क्या होता है, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट, या फिर आप कह सकते हो इलनेस जिसे बोला जाता है. ठीक है, तो जनरल फीलिंग, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट, और यू कैन से इलनेस. ठीक है, तो अब मुझे यहां पर बताइए क्या ये वर्ड सही जा रहा है आप लोगों का, डिस्कम्फर्ट फीलिंग इलनेस, तो क्या यहाँ पे ये वर्ड आपका सही है, फील श्योर होगा मैम. सरिता कह रही है फील श्योर होगा मैम, मीनिंग हम समझे नहीं आपकी बात को सरिता. ओके हाँ, तो आप यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैम बेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की. देखो, बेट के दो तरीके के मतलब होते हैं, रिस्क अ सम ऑफ मनी और वैल्यूड आइटम अगेंस्ट समवन, किसी की मतलब कि अगेंस्ट आप जाकर के कोई बात बोलो या भविष्यवाणी जब आप करते हो तो उसको आप बोलते हो. ठीक है, कोई भी इस तरीके का एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टनिटी, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, श्योर नहीं, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, बातें बोलते चले जा रहे हो, यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टनिटी. तो अब इसके एंटोनिम्स आपके क्या क्या होने चाहिए, जल्दी से हमें बताइए. आपके सामने हमने मीनिंग्स लिख दिए हैं, जल्दी से हमें बताइए कि इसका मीनिंग यहाँ पर एंटोनिम के बेस पर क्या होगा, जल्दी से बताइए माई डियर स्टूडेंट. देखिए 30 सेकेंड का टाइम आपका अप हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर बताना है. तो देखिए, जिसका भी आंसर ब्लीक था तो वो ब्लीक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ब्लीक बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ. रियलिटी में भी हो सकता है, और ना तो सेकेंड वन होगा ना तो थर्ड वन होगा, और फॉल आउट भी नहीं होगा. फॉल आउट का मतलब होता है बुरा परिणाम किसी चीज़ का होना, तो जब बुरा परिणाम की बात आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, रियलिटी करोगे, सच्चाई, एंटोनिम पे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्या वर्ड का मतलब है, फ्यूचर के इवेंट के बारे में कुछ चीज बोलना. तो फ्यूचर मतलब जो चीज अभी फिक्स ही नहीं है, अनसर्टेन है, और रियलिटी मतलब अभी का प्रेजेंट का सच्चाई. तो करेक्ट वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा एंटोनिम में, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट. यस यू ऑल, मुकेश शर्मा ने बोला है मैम रियलिटी होगा, और ठीक है, राइट राइट. अमृत कुमार, आरुषि भी कह रही है मैम ए होगा, अविनाश ने भी अब कह दिया है ए होगा, अभिषेक भी कह रहे हैं फर्स्ट होगा, मोनू कुमार, पिंटू, सुरजीत, राइट, ओके दैट्स ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए. येस यू ऑल आर राइट, मनोज ठाकुर, अविनाश, अंशुमन अग्रहरी, सुमिति पात्रा, सूरज चित्रा, फैजल कह रहे हो कि मैम हमें क्लियर हो गया, ओके नाउ दैट्स वेरी गुड थिंग. तो फ्यूचर का ऑब्जेक्ट रियलिटी के, फ्यूचर का ऑब्जेक्ट रियलिटी नहीं है सर. प्रज्वल जी ध्यान से समझिए, फ्यूचर का ऑब्जेक्ट, फ्यूचर का एंटोनिम आपका नहीं है रियलिटी. फ्यूचर में जो बेट वर्ड है उसका मतलब होता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी चीजों को, यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी थिंग्स, ऐसी चीजों को बताना जो अनसर्टन है, श्योर नहीं है. तो उस बेस पर आप रियलिटी को फ्यूचर की बताना, आगे की बताना, जो कि कभी अभी आपने जो देखा समय नहीं है, तो उस बिहाफ पर रियलिटी इसलिए हो गया क्योंकि देखिए रियलिटी में ब्लीक वर्ड आपका मैच नहीं कर रहा. ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक, तो फ्यूचर और निराशाजनक का कोई आपस में मैच नहीं है. थर्ड का भी, थर्ड का भी मतलब था बेचैनी और जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, जिसमें बेचैनी होते तो वो भी आपस में आपका मैच नहीं कर रहा था. थर्ड, फोर्थ था आपका फॉल आउट, फॉल आउट भी आपका मैच नहीं कर रहा था क्योंकि फ्यूचर और बुरा परिणाम कुछ भी आपस में सेम नहीं है. ठीक है, रियलिटी आपका सेम हो सकता था क्योंकि रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई, प्रेजेंस, प्रेजेंस की रियलिटी को देखिए और फ्यूचर को ना देखते हुए, तो दैट वॉज अ एंटोनिम. ठीक है, एनी वे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा. वेरी गुड, सभी के आंसर आने लगे हैं. मोहित कह रहे हैं मैम सेकेंड होगा, ओके अच्छा, रोप का मतलब क्या होता है, आर ओ पी ई, रोप का मतलब क्या होता है, जल्दी से हमें बताइए. रोप का मतलब होता है एक लंबी रस्सी,
क्या बोला जाता है? रस्सी को बोला जाता है। अच्छा, टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर, ठीक है? क्या चीज? बराबर कोई होना, बराबर में होना, ठीक है? सीरियसनेस टू वर्चुअल द सेम एज, किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल सेम चीज होना, इक्वल होना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हॉसर। हॉसर का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। हॉसर का भी मतलब होता है थिक रोप, लंबी रस्सी। तो आपका सिनोनिम आपका हो गया इसका ये, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। जीवन यापन, मतलब कि कोई भी द एक्शन और फैक्ट टू मेंटेन और सपोर्टिंग वन सेल्फ, द एक्शन और फैक्ट टू, या द एक्शन और फैक्ट ऑफ मेंटेनिंग और सपोर्टिंग वन सेल्फ, द एक्शन और फैक्ट ऑफ मेंटेनिंग व्हाट, मेंटेनिंग और सपोर्टिंग वन सेल्फ, ठीक है? तो ये होगा नहीं क्योंकि आप सपोर्ट की बात कर रहे हो, और टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर, इक्विवेलेंट बोला जाता है, तो वो भी नहीं होगा। ओवरवेलमिंग मतलब कि, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, तो ये भी नहीं होगा। हॉसर का मतलब होता है आपका, हॉसर का मतलब होता है रोप, मोटी थिक रस्सी होना, और रोप का भी मतलब वही होता है। तो आपका सिनोनिम क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। समझ में आई बात? हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल, रोप का मतलब मनाना भी होता है और राजी करना भी होता है। रोप का मतलब राजी करना भी होता है उस कंडीशन पर, अगर माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर रोप वर्ड आपका राजी करने की कंडीशन पर आएगा, किसी को मनाने की कंडीशन पर आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन पर इसका सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम होगा अर्ज, URGE। ध्यान रखिएगा, रोप वर्ड, जैसा कि एक सर है उन्होंने बोला कि मैम इसका मतलब मनाना भी शायद होता है, राइट, मनाना भी होता है, लेकिन मनाने की कंडीशन में फिर इसका सिनोनिम अर्ज होगा, URGE, ठीक है, ना कि फिर हॉसर होगा। हॉसर तब होगा जब रोप को एज इन किसी रस्सी की तरह या मोटे बेस पर बोला जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। फैजल कह रहे हैं क्लियर हो चुका है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शनल थिंग्स डिपेंड करता है ऑप्शन पर। देखो, अब यहां पर अगर अर्ज वर्ड नहीं आया था, अब ये वर्ड नहीं आया, तो हमने क्या अज्यूम किया कि ये रोप वर्ड जो है, जब ये यहां पर इस तरीके का कोई ऑप्शन आया ही नहीं आपके पास, तो ये वर्ड किसकी तरह यूज हुआ है, एज एन रस्सी की तरह यूज हुआ है। और अगर यहां पर ऐसा कोई वर्ड दिया होता तो आप ऑब्वियसली मान जाते कि मनाना और राजी करने की कंडीशन पर दिया गया है। क्लियर हुई बात? हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर सही है, यू ऑल आर राइट, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे। यस बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। हाँ मुकेश, आप भी सही हो। फैजल, अगर ऑप्शन देखो, दोनों नहीं देगा, देगा तो एक ही देगा, जैसे यहाँ पर हॉसर दिया है तो अर्ज नहीं दिया था, तो देगा एक ही देगा। तो ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखना, जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप चूज करोगे, क्योंकि एक वर्ड के अलग अलग सेंस में कई मीनिंग हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस, वो वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम वर्ड्स के मीनिंग कुछ और जानते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस में कंडक्ट होके आता है तो उसका मीनिंग कुछ और चला जाता है, तो उस बिहाफ पर देख करके चलिएगा। अगर इस वर्ड के साथ, रोप के साथ आपका ऑप्शन रियलिटी सॉरी हॉसर नहीं देता है, तो उस कंडीशन पर वहां पर अगर ये वर्ड नहीं दिया होगा और अगर अर्ज दिया होगा, तो समझ जाइएगा कि रोप वर्ड को उसने किस तरीके से यूज किया है, मनाना और राजी करने की कंडीशन पे किया है, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं दिया होगा और ये दिया होगा, तो ऐसी कंडीशन पे समझ जाइएगा रोप को रस्सी की तरह यूज किया गया है और हॉसर आंसर हो जाएगा। आई होप अभी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंक्रीज, फैसल कह रहे हैं इंक्रीज को लॉक कर दिया जाए। यस यू राइट फैसल, इंक्रीज इज द राइट आंसर। राजन फर्स्ट होगा, सुमिति पात्रा फर्स्ट होगा, अक्षर शर्मा फर्स्ट होगा, मोनू कुमार फर्स्ट होगा, अंजलि इंक्रीज होगा, गोपाल फर्स्ट होगा, अविनाश ए फर्स्ट होगा, तो
तो लेट्स सी आंसर क्या होने वाला है. ठीक है, सबसे पहली बात, आपके इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है. जल्दी से हमें पहले तो ये बताओ कि इंक्रीज का मतलब क्या होता है. इंक्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना, उसकी मात्रा का क्या होना, बढ़ जाना. हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, है ना. और डिमिन्यूशन का मतलब क्या होता है, डिमिन्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना. डिमिनिशन का मतलब क्या होता है, अ रिडक्शंस इन द साइज एक्सटेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की कमी होना. दैट मींस ये वर्ड कैसा है, नेगेटिव है, और इसका एंटोनिम आपको बताना है. दैट मींस एंटोनिम बताएंगे तो वर्ड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आपसे पूछ रहा है, क्योंकि डिमिनिशन का मतलब होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी, और आपसे इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, दैट मींस पॉजिटिव वर्ड पूछा जा रहा है. तो अब देखो, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, और यहां पर आप कम की बात कर रहे हो, यहां पर आप बढ़ाने की, इंक्रीज की बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स आंसर आपका क्या हो गया, पहला हो गया. लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं तो स्टंट का मतलब होता है अविकसित, हैविंग बीन प्रिविलेंट फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली. अविकसित जिसे कहते हैं, जिसका विकास पूरा प्रॉपर ना हुआ हो. ठीक है, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, इनकम्बेंट का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी चीजें, नेसेसरी एज अ पार्ट ऑफ सम बॉडी ड्यूटीज. ठीक है, क्या होता है, किसी भी चीज की आवश्यकता, बहुत जरूरी. और ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड बाय अ लीगल मॉरल और अदर रूल, रिक्वायर्ड बाय अ लीगल मॉरल और अदर रूल, कंपल्सरी का सेक्शन देता है. तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कमी को दिखा रहा है, तो यहां पर वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, इंक्रीज इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट. यस यस, समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड थिंग, दैट्स वेरी गुड थिंग. सो बिल्कुल बिल्कुल, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. हाँ या ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहां पर. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. डिवोटेड होगा, डिस्पेंस का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, डिस्पेंस का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है. तो डिवोटेड होगा, एंटायर होगा, रिसीव होगा या ब्लाबर होगा, जल्दी से हमें बताइए क्या होगा आंसर यहां पर. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब आप लोग ना वोकैब पे तो आप लोगों को मुझे लगता है बहुत मजा आता है ना, और आपसे ज्यादा हमको आता है, आपसे ज्यादा हमको आता है. क्यों, हमें इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोगों को सिखाने के लिए मिलते हैं ना, कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. अब जैसे कि मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ कि बच्चे मुझसे कह रहे हैं, मैम हम इन सभी शब्दों को कैसे पढ़ें, है ना. तो देखो, इन सभी शब्दों को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक, प्लीज माय डियर स्टूडेंट, एक कॉपी मेंटेन करिए वो कैप की, उस पे सिर्फ वो कैप के ही वर्ड्स को लिखिए, और उस कॉपी में आप वो कैप को जब आप लिखोगे तो आपको रटना नहीं है. देर आर इन्फिनेटिव वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कितना रट पाओगे किसी भी चीज को, इट्स नॉट पॉसिबल, कभी नहीं रट सकते आप. ठीक है, आप उनको हर ऑल्टरनेट डेज पर आप पढ़िए, जो भी आपसे कहता है ना कि वो कैप रटो और याद करो, कुछ नहीं करना है ऐसा, कुछ भी नहीं करना है. रटने से चीजें आती तो फिर क्या बात थी भाई, रटते ही तो हम सब चले जाते ना, तो फिर रटने से सारी चीजें हमें आ जाती, जो कि पॉसिबल ही नहीं. रटने से कुछ थोड़ी ना आएगा हमको, हमें समझने से आएगा, हर ऑल्टरनेट डेज पर रिपीट करने से आएगा. देखिए, बहुत सिंपल सा एक मैथड समझिएगा, हम किसी अननोन रास्ते पर जाते हैं, हमें रास्ता याद नहीं होता, हम एक दो बार शायद भटकते हैं, लेकिन अगर हम डेली उसी रास्ते से जाते हैं तो हम आंख बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि हमको वो रटा हुआ होता है. तो आपको रटना नहीं है, आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन जहां आपने 2-3 दिन आपने उसको हर अल्टरनेट डेज पे पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप ये यकीन मानिएगा आपको वो सारे वर्ड्स रट जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें रट जाएंगी. यस, रिसीव होगा मैम,
चलिए आइए देखते हैं आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आती है आपकी डिस्पेंस का। डिस्पेंस का मतलब होता है टू गिव आउट समथिंग, किसी को कोई चीज प्रदान करना। ठीक है, अब आपसे एंटोनिम पूछा गया, किसी को कोई चीज देना तो बात तो पॉजिटिव है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात डिवोट का मतलब क्या होता है, डिवॉइड का मतलब क्या होता है, सॉरी डिवॉइड का मतलब क्या होता है, इंटायरली लैकिंग और फ्री फ्रॉम, किसी भी चीज से रहित होना, किसी भी चीज से फ्री होना। ठीक है, एंटायर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट विद नो पार्ट लेफ्ट, किसी भी चीज का पूरा कंप्लीट पोर्शन होना, कोई भी पार्ट लेफ्ट नहीं होना। ठीक है, फिर आपका यहां पर इस वर्ड का मतलब होता है गप्पे लड़ाना, हंसी मजाक करना, मौज मस्ती करना, अ पर्सन हु टॉक्स फुलिशली एंड वॉट एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बात करने वाला इंसान या मौज मस्ती करने वाला। और रिसीव का मतलब क्या होता है, किसी भी को रिसीव करना। तो दैट इज ट्रू, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। यस कंफर्म है, दैट्स वेरी गुड थिंग फैजल हनी और मुकेश, सुमिति पात्रा, हरदेश, सभी लोगों का सही आंसर है। सो अभी फटाफट से सबसे पहले आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, लेकिन आफ्टर द शेयर, शेयर करने के बिफोर आप उससे पहले आप क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जल्दी सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कर दीजिए सेशन को शेयर और लाइक, फटाफट से शेयर कर दीजिए, आप लोगों के पास 10 से 20 सेकंड का टाइम है। माय डियर स्टूडेंट जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से शेयर करिए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करिए। जल्दी से करिए माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से शेयर और लाइक करिए और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नया क्वेश्चन आ चुका है और आपको इसका आंसर देना है, जल्दी से बताइए। सुकन्या बिल्कुल, हम आपको CHSL का हमने पेपर भी डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बहुत जल्दी CHSL का पेपर भी डिस्कस लेकर के आ रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस पढ़ते जाओ मैम। और ऐसा नहीं है, देखो हम आपके प्रॉफिट के लिए बार बार बोल रहे हैं, लाइव सेशन का मतलब समझो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो आप लोग। ठीक है, सेशन को पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करो, 1 घंटा यहाँ पर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने लाइफ का 24 आवर्स में से आप 1 घंटा बस पढ़ रहे हो, बाकी टाइम आप नहीं पढ़ रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एटलीस्ट कम से कम से कम आपको 3 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी से समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जल्दी से हमें बताइए यहाँ पर क्या होगा। 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास और जल्दी से मुझे बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड दिया गया है, होन वर्ड दिया गया है, उसका आपसे सिनोनिम पूछा गया है। होन का मतलब क्या होता है, होन का मतलब होता है टू डेवलप एंड इम्प्रूव समथिंग, स्पेशली अ स्किल, किसी भी चीज़ को डेवलप करना, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना, स्पेशली उसमें क्या आती हैं आपकी स्किल्स आती हैं। ठीक है, उसके बारे में सिनोनिम पूछा है, तो मतलब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड कुछ चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। आप स्किल को क्या करोगे, आप स्किल को इम्प्रूव करोगे, मतलब शार्प करोगे। और आपका यहाँ पर सिमिलर वर्ड क्या आता है, शार्पन, शार्पन का भी मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा शार्प करना। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, डेनिग्रेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग अनफेयरली, किसी भी चीज की आलोचना करना, बात नेगेटिव है आंसर नहीं होगा। डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, नहीं बलवेंद्र हम आपसे नाराज क्यों होंगे, हम आपका भी नाम ले रहे हैं, बिल्कुल हम सबका नाम ले रहे हैं। जल्दी से बताइए हमें आंसर आपका क्या होगा,
30 सेकंड का टाइमर था जो कि ओवर हो चुका है, जिसमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आपकी बारी है हमें बताना कि वर्ड्स के मीनिंग क्या होंगे। जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट, आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल, देखो हम आपके सारे कमेंट्स को कंटिन्यू देख रहे हैं और अपनी बातों को सुन भी रहे हैं जो आप हम बोल रहे हैं आप लोगों से, ठीक है? बिल्कुल, इनफेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी से हमें बताइए इनफेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द फैक्ट दैट समबडी और समथिंग इज नेवर रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा अचूक है, बिल्कुल परफेक्ट टाइप का। द फैक्ट दैट समबडी और समथिंग इज नेवर रॉन्ग और नेवर फेल्स, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास? शार्पन बचा। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? शार्पन इज द राइट आंसर। यस, यू ऑल आर राइट। फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है? देखो वोकैब का सेक्शन ही इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा होता है ना कि बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। स्लॉग का मीनिंग मुझे बताइए, स्लॉग का एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, 30 सेकंड, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से हमें बताइए स्लॉग का मीनिंग क्या होता है? स्लॉग, स्लॉग, SLOG, स्लॉग का मतलब होता है कड़ी से कड़ी मेहनत करना। अब आपको इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, मतलब जो इंसान मेहनत ना करता हो। स्लॉग का मतलब होता है वर्क हार्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो वर्ड देखते ही समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा। मैम रिलैक्स होगा, रिलैक्स का मतलब होता है मेहनत ना करना। बिल्कुल, देखो जिसका भी आंसर ए था तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? फर्स्ट आंसर नहीं होने वाला है। अविनाश सी कह रहे हैं, सौम्या कह रही है मैम रिलैक्स होगा, बिल्कुल राइट सौम्या। और अनुपमा वर्मा कह रही है मैम रिलैक्स होगा, रिलैक्स को लॉक कर दिया जाए। यस, देखिए स्लॉग का मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड। और रिलैक्स का मतलब होता है बिल्कुल फ्री, किसी भी तरीके की कोई भी काम ना करना। मिसोगेनिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डिसलाइक विमेन, जिसको औरतों से नफरत होती है उसको आप बोलते हो। इंडाइट का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंडाइट, तो देखो ये भी नहीं होगा। इंडाइट का मतलब होता है कि किसी के लिए, किसी पर फॉर्मली क्राइम का बेस लगाना, एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, तो ये भी नहीं होगा। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस या फिर टू बैक ऑफ, पीछे हट जाना, तो वो भी नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास क्या बचा? रिलैक्स इज द आंसर। स्लॉग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना और रिलैक्स का मतलब होता है मेहनत ना करना। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से हमें बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। शुभम जी, हमने आपका नाम बोल दिया है। जल्दी से पहले तो एक बात बताओ, हम आपका सारा काम कर देते हैं, आप लोग जैसे हमसे कहते हैं मैम दोबारा बता दीजिए, हम दोबारा बता देते हैं। तो आप लोगों ने सेशन को शेयर किया कि नहीं किया? जल्दी से बताइए, सेशन को शेयर और लाइक किया कि नहीं किया? किया या नहीं किया शेयर और लाइक? जल्दी से बताइए हमको। बिल्कुल कर दिया, कर दिया। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग। सो फटाफट से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। आयरोनिकली वर्ड का आपको, आयरोनिकली वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। जल्दी से बताइए, आयरोनिकली वर्ड का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू रेफरेंस टू और पैराडॉक्सिकल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जिसके विपरीत सिचुएशन, जिसके बारे में सोचा ना हो। अब आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। अब देखिए स्ट्रेटली का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटली का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, सही, स्ट्रेट मैनर होना। और आयरोनिकली का मतलब क्या होता है?
अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होना, मतलब अजीबो गरीब सिचुएशन होना, कभी भी कुछ भी हैपन हो जाना, तो इसका अजीबो गरीब और इधर उधर की सिचुएशन होना तो स्ट्रेटली का मतलब होता है एकदम सीधा. तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया. अब देखो यहां पर एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है, एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है, सम्मेलन, राज्य हरण जिसको हम बोलते हैं, कब्जा करना जिसको बोला जाता है, द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग एस्पेशली किसी भी चीज का कब्जा कर लेना, ठीक है, उसको आप बोलते हो, ठीक है. यस. और नेक्स्ट आपके पास वर्ड है डिलिबरेटली. डिलिबरेटली का मतलब होता है क्या, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके पर्पजली कोई काम किया गया है. और इन वर्ड्स का मतलब, थर्ड ऑप्शन का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को सेलिब्रेट करना, आप मौज मस्ती करना, इंजॉयमेंट करना किसी भी चीज का. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, स्ट्रेटली इज द राइट आंसर माई डियर स्टूडेंट. यस, जिन जिन का स्ट्रेटली वर्ड आया है वो बिल्कुल सही है. थैंक यू अनुकृति, थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट. सरिता, सरिता आनंद कह रही मैम स्ट्रेटली होगा. राहुल मिश्रा स्ट्रेटली होगा. शिखा, योगेश, नाम ले लिया है योगेश जी. सतीश, विवेक, राहुल, लकी, अविनाश, राहुल मिश्रा, अमित कुमार, सुमीर, वीरेंद्र, हरदेश, हरदेश अवस्थी, ओके, विशाल, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शेयर कर दिया और आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल सही है. यू ऑल आर राइट माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर राइट. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है. जल्दी से हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें बताइए. आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, ऑनरस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए. आई एम रॉन्ग मैम, गोपाल वर्मा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए आंसर यहां पे क्या होने वाला है. माय डियर स्टूडेंट 30 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से बताइए. माय नेम इज मिसिंग, माय नेम मिसिंग. अमित ऋषि, आपका नाम मिसिंग नहीं है. अतुल जी, हम अच्छे हैं. अतुल प्रताप सिंह पूछ रहे हैं मैम आप कैसी हैं. हम बिल्कुल अच्छे हैं, बढ़िया हैं. कोई बात नहीं गोपाल, जल्दी से इस सेशन को बताइए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें. जल्दी से बताइए, आपके पास समय बहुत कम है. ऑनरस का मतलब क्या होता है, जल्दी से हमें बताइए. यहां पर वर्ड का मीनिंग क्या है, जल्दी से बताइए. 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, टाइम आपका अप होने वाला है और आपका आंसर मेरे पास आने वाला है, आ चुके हैं. जल्दी से हमें बताइए यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, जल्दी से. 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास. जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट, आंसर आप लोगों का क्या बनेगा यहां पर, जल्दी से बताइए. देखो सबसे पहली बात, आपके ऑनरस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है पेनफुल और वेटली, बहुत ज्यादा वेट या फिर पेनफुल कोई चीज होना. तो हैवी और सिनोनिम पूछा तो हैवी इसका आंसर हो गया, ठीक है. आपके फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, डेंजरस, खतरनाक कोई चीज होना. इनवोक का मतलब क्या होता है, अद्भुत, कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होना या अद्भुत होना जिसको कभी आपने देखा होना. और ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, अपराध, पनिशेबल चीजें, अपराध होना, ठीक है, उसको आप बोलते हो. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑनरस का, ऑनरस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैवी इज द राइट आंसर, ठीक है, हैवी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एथोस का मतलब क्या होता है, एथोस का सिनोनिम आपको बताना है, जल्दी से बताइए. एथोस का, एथोस का मतलब क्या होता है, थर्टी सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास और जल्दी से आप हमें आंसर बताएंगे यहां पर आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है. जल्दी से हमें बताइए कि आंसर क्या होगा. थैंक यू रक्षिता, बिल्कुल, थैंक यू सो मच.
जल्दी से बताइए। बिल्कुल, समय को जायज ना करते हुए जल्दी से आप हमें आंसर बताइए, यहाँ पर क्या होगा? इथोस का मतलब क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ अ कल्चरल एरा और कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब चरित्र और प्रकृति की बात कही जा रही है। अब इसका आपको सिनोनिम बताना है, तो हिब्रिस इसका सिनोनिम होगा? नहीं, हिब्रिस का मतलब होता है घमंड, अभिमान, ओवर बेयरिंग प्राइड, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा घमंड होना। ठीक है, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास दिया गया है, ठीक है, कबल वर्ड दिया गया है। कबल का मतलब बताइए, कबल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू वर्क अगेंस्ट समथिंग। एक कलेक्शन, एक ग्रुप ऐसे लोगों का होना जो किसी भी वर्ड, किसी भी चीज के अगेंस्ट में काम करते हो, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फॉल्सी का मतलब क्या होता है? फॉल्सी का मतलब होता है एन आइडिया ऑफ बिलीव दैट इज फॉल्स बट मेनी पीपल थिंक इज ट्रू। फॉल्सी का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया जिसके बारे में जो गलत है लेकिन सभी लोग क्या समझते हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है टाइप ऑफ बिहेवियर। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ बिहेवियर। तो आपका सिनोनिम टेंडेंसी होगा, करेक्ट आंसर आपका टेंडेंसी होगा। यस, मुकेश कह रहे हैं मैम टेंडेंसी अफेक्शन, बिल्कुल राहुल, मुकेश ने बोला है। अनुकृति कह रही है टू होगा, नहीं टू नहीं होगा। मुकेश कह रहे हैं टेंडेंसी होगा, टेंडेंसी होगा। अतुल प्रताप सिंह ने बोला है राइट। मुकेश शर्मा, फैजल भी कह रहे हैं, योगेश भी कह रहे हैं, स्मार्ट अविनाश भी कह रहे हैं, अतुल प्रताप भी कह रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी से हमें बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से हमें बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव और रुझान, नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, किसी की तरफ रुझान होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलाइक, मतलब किसी को पसंद ना करना, किसी की तरफ बढ़ना नहीं। यस यस, और एक्सपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेंसी, एक्सपेंडेंसी का मतलब होता है फायदा, लाभ, द क्वालिटी ऑफ बींग सूटेबल टू द सर्कमस्टांसेस टू अवेल देम। कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई भी ऐसी सिचुएशन होना जिसको आप क्या कर सके, अवेल कर सके। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से हमें बताइए। और कैवेलियो का मतलब क्या होता है? फिफ्थ ऑप्शन, कैवेलियो, लापरवाह, शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। ठीक है, कंसर्न मतलब लापरवाह होना, और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा। यस, यू ऑल आर राइट। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, उसके बाद ही हम आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और शाम की क्लास में 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, शाम को 6 बजे IBPS PO के प्री पेपर का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 को डिस्कस किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जुड़ना मत भूलिएगा हमसे शाम को 6 बजे। ठीक है, आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से शाम को 6 बजे। अपना ख्याल रखिए तब तक, और बढ़िया से रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।